थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट सर्विलेंस को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि महुआ बाग क्षेत्र में एक घर में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार चलता है। इस सूचना पर जब गए तो वहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ लगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी बुला लिए गए थे। जब उस स्थान की पूरी छानबीन की गई तो वहाँ पे जो प्रतिबंधित इंजेक्शंस हैं बूप्रीन मॉर्फीन करके होता है जो सामान्य रूप से प्रतिबंधित होता है, उसका उपयोग ये लोग करते थे। और इसमें मेन रूप से एक जो त्रिपाठी है पूर्व में भी ये इस तरह की हरकतों में पकड़ा गया है और इसके द्वारा लोगों को लगाया जाता था ये ड्रग का इंजेक्शन। इसी से ये अपने क्लाइंटेज बढ़ाता था। भारी संख्या में इसके यहाँ ये प्रतिबंधित इंजेक्शन मिले हैं और 11 लोगों को वहाँ से पकड़ा गया था जिन्हें जेल भेजा जा रहा है समुचित धाराओं में। सर बरामदगी क्या है? बरामदगी वही प्रतिबंधित जो मादक पदार्थ का इंजेक्शन है वही इसके यहाँ से मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में मिले हैं और उसी की सिरिंज और जो वॉयल्स होती हैं वो मिली हैं। इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये बिहार से सस्ते दामों में इसे लाता था और यहाँ ऊंचे दामों में वहाँ से करीब 25 रुपए में मिल जाता था या 160-170 रुपए जो जैसा क्लाइंट मिल जाए उसके लगा देता था। 3 दिन तक उसका असर रहता था, फिर वो लोग इसके आदि हो जाते थे और पुनः लौट के आते थे। और जो लोग इसके अभी प्रथम दृष्टया जो पकड़े गए हैं, जो पूछताछ में आया है, जो कूड़ा बीनने वाले हैं या इस तरह के जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो गलत संगत में पड़ गए हैं, इस तरह के लोगों को ही ये अपना शिकार बनाता था।